नमस्कार, आप देख रहे हैं AY24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। और आए विधानसभा के अंतर्गत कटरा के नगवारा गांव में भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय जी के द्वारा किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मंत्री जी ने जनता का अभिवादन किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, संजय जायसवाल जिंदाबाद। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, इस शुभ घड़ी मेला में भूमि पूजन कार्यक्रम के संयोजक भाई रत्नकांत चौधरी जी, इस मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई रत्नकांत चौधरी, सुशील झा जी कटरा मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई अमित जी, और आई से चल कर आए उपप्रमुख पप्पू शाह जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई अभिभावक श्री भूषण शाही जी, मंच पर उपस्थित और आई उत्तरी मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई हरिओम जी, मंच पर उपस्थित जिनका मैं नाम बहुत ही आदर पूर्वक लेना चाहता हूं, और हम सब लोग मैं उस दिन को याद करना चाहता हूं कि जिस दिन औराई में चुनाव लड़ने 2009 में हम आए थे, जिसकी चर्चा राजीव जी कर रहे थे, और औराई में आने के बाद लोगों ने कहा अपनों ने कहा गैरों में कहा दम था, इसके बाद उनके यहाँ पानी कम था। जनता दल यू के लोग अपने लोग ने कहा कि कोई विदेशी आया है, विदेशी को हटाना है, विदेशी को भगाना है। और उसी संदर्भ में जब 2009 में जब मैं घूम रहा था, लोगों से मेरा कोई पहचान और जान पहचान नहीं था, उसी संदर्भ में जब 2009 में चुनाव हार गया, हारने के बाद जब मैं 10 में घूम रहा था, तो एक भैरव स्थान में मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वहां जमीन लेकर के मैं कार्यालय आवास घर बनाऊं, और एक व्यक्ति ने जमीन बहुत मौके पर दिया भी, बात भी किया, लेकिन एक व्यक्ति नेता स्वच्छ हार गए, उनको मालूम हुआ, उस व्यक्ति को जाकर धमकी दिया, क्या तुम असामी बसा रहे हो, और वो बेचारा गरीब डर के मारे मुझे जमीन नहीं दिया। यही लाइन जब पासोर में मैं जब घूम रहा था, तो शिव शरण भाई शाम का समय था मस्ती में, और कहा कि आप घर यहाँ क्यों नहीं बनाते हैं, हम क्या यहाँ का जादव, हमको जादव मांगता ही नहीं है, लोग का कौन कहता है, हम कहते हैं हम, मैं आपको जमीन देता हूँ, आप यहाँ घर बनाइए। इसका साक्षी अशोक शाह और रतिकान के और सारे लोग यहाँ थे। मैंने कहा कि शाम का वक्त थोड़ी भूल हो सकती है, मैंने कहा अगर आप जमीन दीजिएगा तो मैं घर जरूर बनाऊंगा, और इन्होंने कहा कि हम वस्तु जमीन हमके दाम कितना लीजिएगा, तो मैं दाम आपसे नहीं लूंगा। मैंने कहा कि जमीन मैं आपसे नहीं लूंगा, इन्होंने कहा कि नहीं जमीन तो मैं आपको दूंगा, तो मैंने कहा कुछ तो हमको दे दीजिए, तो मुझे याद है 51 रुपया मैंने दिया, और हंसी मजाक में इन्होंने स्वीकार किया। हम अपने काम में लग गए, सुबह देखते हैं अशोक शाह जी रतिकान जी कचहरी में ही लेके इनको दोनों को लेके पहुंचे हुए हैं, हमको फोन करते हैं कि वाला मामला जल्दी आओ, हमें मजाक किए थे ना ले पैसा को पूछिए, उनका पैसा मैं नहीं लूंगा, मैं जमीन मैं आपको दूंगा, मैं आप यहाँ घर बनाइए, आप हमारे पूरे खानदान के लोग हैं। बहुत कहता है कि आप विदेश में ऐसे लोगों को नाम भी भगवान ने शिव शरण, राम भी शिव के शरण में गए थे, मैं भी राम का पूरक, मैं इनके शरण में हूँ, और आज ये मेरी मनोकामना पूर्ति हुई, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इनका है और भाई का। तो ऐसे हमारे शिव शरण भाई के लिए मैं योगदान तारी मजा दीजिए, और हमारी भाई लोग बैठे जो औराई प्रखंड में जिसको कहते हैं पत्थर पर तोड़ती उठना, इन 20 वर्षों में औराई में प्रमुख बंद रहा था, लेकिन कोई जानता नहीं था कि प्रमुख कौन है, कहाँ है, किधर है, लेकिन आज प्रमुख जी इनकी पत्नी बनी है नमिका भारती, उनके पति है रंजीत जी, औराई तानापुर अहरिया गरिया के निवासी हैं, इनके पिता स्वर्गीय
जीव रतन राय की हत्या हुई थी डकैती में, छोटे बच्चे थे, इनका ननिहाल मेरे समीप मेरे गांव में है, वो जहां में आज प्रमुख को सब जानता है कि औरंगाबाद में प्रमुख बना, पहले कोई जानता था कि कोई व्यक्ति बना है जो व्यक्ति का आदमी, लेकिन आज ये नहीं कह सकता कि राम सुरत का आदमी प्रमुख बना है, आज फलाना व्यक्ति प्रमुख बना है। मेरी बगल में प्रमुख जी के बगल में बैठे हमारी धर्मपत्नी महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व मोर्चा की प्रमुख और औराई के एक एक व्यक्ति का सेवा जीवन में और अहम जीत भूमिका निभाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, मैं उनके छोड़ करके कहीं भी दिन और रात घूमता हूँ, जैसे घर और छोट को संभालने वाली हमारी धर्मपत्नी श्रीमती सुभद्रा देवी जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ महिला मोर्चा में हमारे साथ हमारे कमेटी में महिला मोर्चा के अध्यक्ष वर्तमान में जिला की मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र की नेत्री हैं श्रीमती इंदिरा सिंह जी, मंच पर उपस्थित कटाई की वर्तमान मुखिया श्रीमती कृष्णा देवी जी, मंच पर उपस्थित भाई सुरेंद्र जी पूर्व अध्यक्ष अभी औराई कार्यालय प्रभारी भी हैं, और हमारे राजीव जी जो हमेशा 2009 से लेकर आज तक कदम में कदम मिला के चलने का काम किए हैं, हमारे जिला पार्षद भाई विजय लाल जी और रतिकांत जी का क्या कहना, जैसे राम जी के हनुमान जी, जामवंत जी, सेवरी जी सब लोग चलते हैं साथ में, वैसे रतिकांत जी ने सिद्ध बना जदयू से भाजपा में जाने के लिए कड़ी को जोड़ा, उस कड़ी के अनुसार जैसे राम लंका में जाने के लिए सेतु बन रहा था और गिलहरी जैसे अपने मिट्टी में शरीर में मिट्टी लगा के उस सेतु पर जाता और छूटता है ताकि हम भी इस यज्ञ में शामिल है, उसी तरह से सूत्रधार बनने का काम रतिकांत जी ने किया। हमारे तीनों मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्र के सम्मानित जनतागण, सभी हमारे आए हुए मीडिया के साथी, सभी यहाँ दूर दराज से आए हुए आम जनता भाई और बहनों, और मैं आप सब को अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन चेतन और वंदन करता हूँ। आता कि मैं वादा नहीं कर सकता, मैं प्रयास करूंगा कि औराई का विकास हो। 2009 में जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, किसी के घाव पर नमक नहीं छिड़कना चाहता, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि यहाँ जनता का जो परेशानी था, जो दुर्दशा था, जो कष्ट था, चाहे वो रोड हो, शौचालय हो, बिजली हो, चाहे वो किसी भी तरह का योजना हो, कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं मिलता था, और उसी नौ में जब मैं घूमने का काम करता था, मुझे याद है लगभग बनाने वाला कोई कोई होता है, इसलिए मैं क्षेत्र को बना के जाऊंगा, और मैंने तय किया कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई मेरी गलत बुराई, गलत कमाई का मुझे अपने घर में खर्चों के लिए, परिवार के लिए कमा के नहीं देना है। भगवान ने जो भी किया है, जरूरत थोड़ा इस बीच में चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, चुनाव जीता, मंत्री बना, समय पड़ने पर मैंने 200 बीघा क्षेत्र की जनता का सेवा किया हूँ, लेकिन मैं किसी से गलत जनता चुटकी लेने का या कमीशन लेने का काम नहीं किया। अगर कहीं कोई मनमानी होता है, कुछ भी होता है, तो मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, मैं खुले जनते की चोट पे करता हूँ। आज मैं विभाग चला रहा हूँ, विभाग चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है कि भू माफिया हावी है, भू माफिया की इतना ताकत है, इतना पैसा है, इतना गुंडागर्दी है, उसका इतना बड़ा रैकेट है, कभी भी किसी भी नियम को तोड़ सकता है, कहीं भी फसा